हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जहाँ मैं फुल डिटेल में दो शानदार फोन्स मोटो एच 50 प्रो और वन प्लस 12 का कंपैरिजन करने वाला हूँ। हालांकि इन दोनों फोन्स के अंदर प्राइस डिफरेंस भी थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ये दोनों ही फोन्स अपने रेंज में जबरदस्त है। कंपैरिजन एकदम साइड बाय साइड होगा तो आपको ये चूज करने में काफी आसानी होगी कि कौन सा फोन बेटर है और किस एस्पेक्ट पर बेटर है। तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर लॉन्च डेट की बात करेंगे तो वन प्लस 12 6 फेब को लॉन्च हुआ था, जबकि मोटो एच 50 प्रो 9 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। दोनों ही फोन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स पर लॉन्च हुआ। मोटो एच 50 प्रो में हेलो यूआई देखने मिलता है, वहीं वन प्लस 12 में ऑक्सीजन ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है। द डिजाइन कंपैरिजन, बात अगर सबसे पहले डिजाइन की करें तो आपको यहाँ पर वन प्लस 12 मोटो एच 50 प्रो से ज्यादा थीक नजर आता है। एक तरफ जहाँ एच 50 प्रो 8.19 mm का थिकनेस लेकर आता है, वहीं वन प्लस 12 8.8 mm की थिकनेस के साथ आता है। वेट के मामले में भी आपको मोटो एच 50 प्रो वन प्लस 12 से थोड़ा हल्का है। मोटो एच 50 प्रो जहाँ 186 ग्राम का है, वहीं वन प्लस 12 207 ग्राम का वेट रखता है। मोटो एच 50 प्रो का बैक सिलिकॉन वेगन लेदर डिजाइन में आता है, जबकि वन प्लस 12 का बैक शाइनी ग्लास का है। तो अगर लुक की बात करेंगे तो वन प्लस 12 का लुक डेफिनेटली लुक्स बेटर, काफी स्टाइलिश लगता है फोन देखने में। शाइनी ग्लास होने की वजह से फिंगरप्रिंट स्मजेस को अट्रैक्ट करता है। वहीं मोटो एच 50 प्रो का लुक एंड इन हैंड फील जो है वो ज्यादा मजा आता है। लाइट वेट फीलिंग आती है, जबकि पीछे से एकदम नीट एंड क्लीन लुक दिखाई देता है इस फोन में। मोटो एच 50 प्रो आपको तीन कलर ब्लैक, पर्पल और सिल्वर में आता है। वहीं वन प्लस 12 जो है वो आयरन ग्रे और कूल ब्लू, ये दो कलर में आता है। वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन में भी आपको मोटो एच 50 प्रो में IP68 की रेटिंग मिल जाती है, जबकि वन प्लस 12 में आपको IP64 देखने मिलता है। दोनों ही फोन्स में आपको डस्ट प्रूफ का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ओवरऑल डिजाइन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर मोटो एच 50 प्रो वन प्लस 12 से आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। द डिस्प्ले कंपैरिजन, अब बात अगर डिस्प्ले की करेंगे तो एक तरफ जहाँ एच 50 प्रो में 6.7 इंचेस का FHD प्लस POLED डिस्प्ले दिखाता है, वहीं वन प्लस 12 में आपको 6.78 इंचेस का FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। रेजोल्यूशन में आपको वन प्लस 12 का रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर दिखाई देने वाला है। दोनों ही फोन्स में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। दोनों ही फोन में आपको बेजल लेस पंच होल डिस्प्ले और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। एक तरफ जहां वन प्लस 12 में आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं मोटो एच 50 प्रो में 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। तो स्मूथनेस के मामले में आपको मोटो एच 50 प्रो डेफिनेटली काफी स्मूथ और फास्ट मिलने वाला है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफी अच्छी स्मूथनेस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू 120 हर्ट्ज जो कि आपको वन प्लस 12 में मिलता है। दोनों ही फोन्स में कर्व डिस्प्ले मिलता है और दोनों ही फोन्स में बेजल्स काफी ज्यादा पतले दिखाई देते हैं, इवन चीन्स भी। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला का चीन्स जो है आपको और ज्यादा पतला दिखाई देता है कंपेयर टू वन प्लस 12। अब अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करेंगे तो वन प्लस 12 में ऑलमोस्ट 90-91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिखाई देती है, जबकि मोटो एच 50 प्रो में ऑलमोस्ट 92-93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाती है। दोनों ही फोन्स की पीक ब्राइटनेस बहुत हाई है। वन प्लस 12 में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जबकि मोटो एच 50 प्रो में ये आपको 2000 निट्स की है। अब दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर किया जाए तो वन प्लस 12 डेफिनेटली ज्यादा ब्राइटर लगा, पर मोटोरोला की ब्राइटनेस बहुत अच्छी दे रहा है। दोनों ही फोन्स में 10 बिट कलर पैनल का सपोर्ट मिलता है, जिससे कि दोनों ही फोन्स को वीडियो क्वालिटी काफी शानदार लगी। विविड कलर और शार्प रेजोल्यूशन दिखाई देती है, तो ओवरऑल दोनों ही फोन्स का जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी प्रीमियम लगता है। द परफॉर्मेंस कंपैरिजन, दोस्तों अगर इसके सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस को देखें तो मोटो एच 50 प्रो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 के चिपसेट पर आता है। ये एक लेटेस्ट चिपसेट है जो कि 4nm पर आता है, जबकि वन प्लस 12 बार स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 पर आता है। इसमें भी आपको 4nm का फैब्रिकेशन देखने मिलता है। तो चिपसेट के मामले में वन प्लस 12 इज डेफिनेटली मोर पावरफुल एंड मोर अपडेटेड। अगर अंततः स्कोर की बात करेंगे तो मोटो एच 50 प्रो का स्कोर 8.5 लाख के आसपास गया हुआ है, जबकि वन प्लस 12 का स्कोर 1.2 मिलियन के आसपास गया हुआ है। दोनों ही फोन 64 बिट के ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर आता है और ग्राफिक्स में एक तरफ जहां आपको मोटो एच 50 प्रो में एड्रीनो 720 का ग्राफिक कार्ड मिलता है, वहीं वन प्लस 12 में आपको एड्रीनो 740 का ग्राफिक कार्ड मिलता है। वन प्लस 12 के अंदर तीन वेरिएंट आपको मिल जाता है, जिसमें बेस वेरिएंट जो है वो 8/128 GB का है, जबकि ऊपर वाला दो वेरिएंट 8/256 GB और 16/256 GB का है। LPDDR5X का रैम टाइप है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। इसके साथ आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं, विच इज गुड। वहीं मोटो एच 50 प्रो के अंदर आपको 8/256 GB और 12/256 GB के दो वेरिएंट मिल जाता है, जहां स्टोरेज टाइप 2.2 का है। इसके साथ भी आपको 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं। तो
रैम टाइप या स्टोरेज टाइप के बेस पर बोलूं तो मोटोरोला इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेटर कर सकता था। यूआई एस्पेक्ट से देखेंगे तो OnePlus 12 बार में क्लीन यूजर इंटरफेस मिल जाता है। आपको कुछ 7-8 ब्लॉटवेयर या थर्ड पार्टी एप्स अननेसेसरीली दिख जाते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मोटो एज 50 प्रो के यूआई को देखेंगे तो आपको क्लीन यूआई देखने मिलता है, बहुत ज्यादा ब्लॉटवेयर देखने नहीं मिलते हैं। हेलो यूआई के साथ आपको बहुत अच्छे से कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दिखाई देता है। बहुत सारे एआई के आ जाने से आप बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। गेमिंग पर्सपेक्टिव से बताने से पहले दोस्तों एक दो बातें बता दूं कि जो दोनों फोन्स की रीड एंड राइट टेस्ट किया गया ना तो मोटोरोला ने काफी इंप्रेस किया। ऑप्टिमाइजेशन काफी जबरदस्त है इसका, एप्स वगैरह बहुत फास्ट रन होते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्रैश देखने नहीं मिलता है। अब गेमिंग की बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आप गेम्स अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, फिर चाहे BGMI हो या COD या फिर Genshin Impact, दोनों ही फोन्स में आप मैक्स और हाई सेटिंग्स पर गेम खेल सकते हैं। हीटिंग इशू बताना जरूरी है, थर्मल ऑप्टिमाइजेशन में मोटोरोला डेफिनेटली बेटर काम कर रहा है। मोटो का ये फोन बहुत ज्यादा हीट नहीं हो रहा था। द कैमरा कंपैरिजन दोस्तों, अगर दोनों ही फोन्स के कैमरा को कंपेयर करें तो दोनों ही फोन्स में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है। OnePlus 12 बार में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है। इस फोन में आपको सोनी IMX890 का सेंसर दिखाई मिलता है, जबकि मोटो एज 50 प्रो में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिखने मिलता है। तो कैमरा सेटअप में अगर देखेंगे तो मोटो एज 50 प्रो का कैमरा ज्यादा फंक्शनल नजर आता है। दोनों ही फोन्स में आपको कैमरा के सारे फीचर्स लाइक ऑटो फोकस, डिजिटल जूम, HDR, पोर्ट्रेट, फेस डिटेक्शन, फिल्टर्स, बर्स्ट मोड, मैक्रो मोड ये सब देखने मिल जाता है। कैमरा के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो Moto H50 Pro डेफिनेटली लुक्स बेटर। आपको इस फोन में AI के बहुत सारे एनहांसमेंट देखने मिल जाएंगे, फोटोज ज्यादा नेचुरल निकल कर आता है। वीडियो की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 4K एट 30fps और 1080p एट 60fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। अब बात अगर फ्रंट कैमरा ही करेंगे तो OnePlus 12 बार में आपको 16 मेगापिक्सल का, जबकि Moto H50 Pro में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिखाई देता है। परफॉर्मेंस लेवल पर दोनों ही फोन्स का फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और फ्रंट कैमरा से आप मोटोरोला के फोन से 4K एट 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं, जबकि OnePlus 12 बार से ये 1080p एट 30fps पर हो सकता है। द बैटरी एंड चार्जिंग कंपैरिजन, बैटरी के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो आपको OnePlus 12 बार में 5500 mAh की ह्यूज बैटरी, जबकि Moto H50 Pro में 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी दोनों ही फोन्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब बात करते हैं चार्जर की। दोस्तों चार्जर स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो OnePlus 12 बार में आपको 100 वाट का सुपरबुक चार्जर मिल जाता है, जो कि 0-100% चार्ज करने में 25 से 26 मिनट का समय लेता है, जबकि Moto H50 Pro में आपको 125 वाट का टर्बो वायर चार्जर और 50 वाट का वायरलेस चार्जर मिलता है, जो कि 0-100% केवल 18 से 20 मिनट में चार्ज कर देता है। इसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी को देखेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको ड्यूल सिम और सारे 5G बैंड के सपोर्ट मिल जाता है। OnePlus 12 बार में Wi-Fi 7 है तो Moto H50 Pro में Wi-Fi 6E मिलता है। Moto H50 Pro में ब्लूटूथ वर्सन 5.4 जबकि OnePlus 12 में ब्लूटूथ वर्सन 5.3 मिलता है। दोनों में आपको NFC मिलता है। आपको सारे सेंसर दिखाई देने वाले हैं दोनों ही फोन्स में। अब आते हैं प्राइस की तरफ। तो दोस्तों OnePlus 12 बार जो कि स्टार्टिंग प्राइस 8128GB वेरिएंट का है वो 39990 है, जबकि Moto H50 Pro का स्टार्टिंग प्राइस 8256GB का वो 30,000 होने वाला है। दोनों ही फोन्स में प्राइस गैप जो है वो 10,000 का है, यानी कि 10,000 का है, लेकिन मोटो ने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आपको बैंक ऑफर्स भी दिखाई दे देते हैं। तो अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल बोलूं तो आई विल डेफिनेटली चूज मोटोरोला H50 Pro, लेकिन अगर आपको बहुत ही हार्ड गेमिंग करना है तो OnePlus 12 बार इज द बेस्ट, कि उसमें Snapdragon 8 Gen 2 मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक कंप्लीट कंपैरिजन दो हाइप फोन्स के बीच का। इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन सा फोन आपके लिए बेटर है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर कर दीजिए और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये एक सब्सक्राइब हमें बहुत हेल्प करता है ऐसे ही हाई क्वालिटी वाले वीडियो को बनाने में। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।